हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल एमके ब्लॉग ये भी जी पे। दोस्तों समय हो चला है 10:20 और आज हम आपके लिए आए हैं बहुत ही फेमस चीज जो जबलपुर की है, वो भी गरम गरम। हाँ, ठंड का समय है और आपने गर्मा गर्म दूध नहीं पिया, वो भी केसर वाला जो हमारे जबलपुर में बहुत ही फेमस मिलता है। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो महावीर दूध आला है, मतलब ये दुकान है, आप देख सकते हैं महावीर दूध आला है। तो यहाँ पे हम आए आज आपको टेस्ट कराने केसर वाला, केसर वाला गर्म गर्म दूध है यहाँ पे मिलता है और बहुत ही मतलब प्योर दूध रहता है। तो आइए चलते हैं, इनसे मिलते हैं, क्या क्या वैरायटीज रखते हैं, मतलब क्या क्या मिलता है। भैया जय जी नाम भैया, मैंने सुना है आपके यहाँ पे बहुत ही फेमस वैरायटीज है, एक से एक वैरायटी है और प्योर, मतलब आप सब वैरायटीज दूध की बनाते हैं, है ना। तो पहले तो हमें मतलब ये बताइए कि आप जो दूध यूज करते हैं, मतलब किस चीज का रहता है, मतलब टोटल भैंस का, भैंस का टोटल भैंस का दूध रहता है ना। तो इसमें आप वैरायटीज जो रखते हैं तो क्या क्या वैरायटीज रहती है, थोड़ा आप बताइए। लच्छेदार रबड़ी बन रही है। अच्छा, ये पूरी खुलचन वाली रबड़ी है, इसको खुलचन कहते हैं। अच्छा, खुलचन वाली रबड़ी है, रबड़ी नॉर्मली चलती है सब जगह, लेकिन मेरे गाँव खुलचन वाली रबड़ी चलती है। अच्छा, और ये मिल्केक, ये मतलब ये परत आप जो साइड पे बना रहे हैं, टोटल पूरी कटिंग करके मैं रबड़ी में डालूंगा, दूध गाढ़ा हो जाएगा, उसको और गाढ़ा करके पूरी रबड़ी बना के फिर ये पूरी खुलचन रबड़ी में डाल के मिक्स कर दूंगा। अच्छा, जब जाके मजा आएगा खुलचन वाली रबड़ी, तो मैं खुलचन आएगी साथ में मलाई आएगी, और इसके बाद कढ़ाई लगेगी केसर दूध की, सर दूध की कढ़ाई लगेगी, तो जो लगती है वो फिर बंद ही नहीं होती, गैस बिल्कुल बंद नहीं होती, आज इतना गाढ़ा दूध होता है। अच्छा, ये परत एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक बनती जाती है, इसको 6 घंटे लगते बनाने में, 6 से 7 घंटे। और कितने लीटर दूध यूज करते हैं आप? ये है, इसमें डाला था मैंने 35 लीटर दूध। 35 लीटर दूध यूज करते हैं जी, इसमें 35 लीटर एक बार में आता है, ऐसी 3 घान रबड़ी बनती है। 35 लीटर दूध आपका रोज यूज हो जाता है रबड़ी में। अच्छा, तो बाकी आइटम में अलग यूज होता है। अच्छा, बराबर। और ये बताइए भैया, मतलब वैरायटीज में ये तो आपने बताया, कलाकंद प्योर दूध तो माल है। अच्छा, ना इसको फ्रिज में रखना पड़ता है ना कुछ में रखना पड़ता है, और कलाकंद भी आते हैं जो फ्रिज में रख के बेचते, मेरा फ्रिज में रखोगे टाइट होगा माल। अच्छा, और ये मतलब किसी को ले जाना हो, 4 से 5 दिन की गारंटी, 4 से 5 दिन चलेगा, है ना। और क्या है वैरायटी? ये कुंदे के पेड़ है, ये तो अपने जबलपुर में नॉर्मली चलते, बहुत ही फेमस है। और ये मिल्केक है, ये मिल्केक आप मिल्केक रखोगे हमारा फ्रिज में टाइट होगा, प्योर दूध का आइटम है, और जो वो फ्रिज में रखा रहता है बड़ी बड़ी होटलों में, वो रहता है मिल्केक रेडीमेड, हमारा बिल्कुल प्योर आइटम है, और इसको आप फ्रिज में रखोगे तो टाइट होगा, प्योर दूध का रहता है, पेपर दूध का, बिल्कुल पेपर दूध का, उसको लगते हैं 4 घंटे बनाने में, 4 घंटे ठंडे करने। अच्छा, और एक आता है जो मिल्केक जो पीस बने हुए होटल में रखे रहते हैं ना, वो रहता है रेडीमेड। अच्छा, वो आता है ग्वालियर साइड पे 120 रुपए किलो। अच्छा, और ये हमारा 500 रुपए किलो पेपर दूध का। और भैया हमें आप क्या पिलवा रहे हैं? आपको केसर दूध पिलवा रहे हैं, आपके लिए बना के रखा अच्छा मसालेदार, बहुत बढ़िया। दोस्तों ये भैया ने हमारे लिए बहुत ही यूनिक चीज जो बोलते हैं ना जबलपुर की, और ठंड का समय और ऐसे ठंड के समय में आपको गरम गरम दूध मिल जाए केसर वाला, तो मजा ही अलग आता, मलाई पूरी तरह मिलती है, अच्छी मतलब गाढ़ी मलाई रहती है उसके अंदर। और ये दूध का ग्लास एक कितने का रहता है? 35 रुपए 35 रुपए का एक ग्लास मिलता है आपको। रवि रात के लिए पूरी तैयारी चल रही है, शाम को 6 बजे से बिजी होंगे ना, सुबह से दुकान होगी, रात की तैयारी के लिए खोलनी पड़ती है। अच्छा,
आज में टोटल हमारी ग्राहकी बंदी हुई है, खाने के बाद टोटल दूध पीने आती, दूध रबड़ी खाने आती। मतलब खाने के समय में आपका ये जो केसर वाला दूध है ये तो मतलब बहुत ही दिखता होगा, है ना? 90 वर्ष पुरानी दुकान है अपनी। अच्छा, और कितना जनरेशन है आपका? ये कितना जनरेशन है? तीसरी पीढ़ी है। मेरे पहले नाना जी बैठते थे, फिर मामा जी बैठते हैं अभी भी, और मेरा बड़ा भाई भी बैठता था, मैं भी बैठता। अच्छा, मतलब पूरी फैमिली, मतलब किसी में आप यही काम में लगे हुए है ना? बहुत अच्छे भैया है ना? तो चलिए अपना घर। नाना जी की क्वालिटी नहीं बिगाड़ना चाहते। अच्छा, क्वालिटी नहीं, क्वालिटी और कोई से मतलब नहीं, क्वालिटी बस। तो चलिए गर्मा गर्म केसर वाला दूध टेस्ट करते हैं, तो बताते हैं आपको कैसा बना। बहुत ही शानदार, इसमें आपको प्योर दूध का फ्लेवर आ रहा है, केसर का टेस्ट आ रहा है हल्का हल्का सा, और क्या कहते हैं इसमें मलाई का टेस्ट, पूरी मलाई लबालब इसमें ऊपर से भरी हुई है, मतलब ड्राई फ्रूट्स बोलते हैं वो भी इसमें टेस्ट आ रहा है। बहुत अच्छी मतलब मलाई मेरा वाला दूध है, केसर वाला दूध है। इसे हुए मसाला है मेरा। अच्छा, वो नहीं है कि चार दाने ऊपर से डाल दिया अपन ने, मिला के मुंह में आ गए, पिसा हुआ मसाला है। अच्छा, उसमें ड्राई फ्रूट, केसर, बादाम, पिस्ता सब कुछ पिसे हुए आपको, केसर भी मिल गया, देखो पूरा अपन मसाला डाल दिया, रेडी करके रखते मसाला। मतलब कोई फ्लेवर नहीं है, पूरा ड्राई फ्रूट का, ड्राई फ्रूट, कोई रोल काल नहीं है, एसेंस पाउडर कुछ नहीं। चलिए हमारा दूध खत्म करते हैं और फिर मिलते हैं किसी और जगह, किसी और प्लेस पे, आपके लिए एक नई और यूनिक चीज लाते हैं। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं, बाय बाय, जय जिनेंद्र।